नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपको धमकी देता है या फोन पे गाली गलौज करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की लेटेस्ट नॉलेज हमारी वीडियोज के थ्रू मिलती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको फ़ोन पे धमकी देता है, गाली देता है, तो उसके लिए आप उस पर कानूनी कार्रवाई कैसे करें। तो इस जैसे ही अगर कोई आपको धमकी देता है या गाली गलौज करता है तो इसके लिए जो है आप आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप थाने जाएंगे और एक अपनी एप्लीकेशन देंगे थाने में कि आपके साथ जो है ये बदतमीजी हुई है या आपको धमकी दी गई है, तो आप जो है कंप्लेंट करने के लिए थाने आए हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, हो सकता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले और हो सकता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करें, बस ऐसे इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगा दे। तो अगर आपको लगता है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है या इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ दिया, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए जो है कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप जब जैसे ही कोर्ट जाएंगे तो आप जो है सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अपनी कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को लिखवा सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट लिखवाएंगे तो इसके लिए आपको अपना एडवोकेट करना होगा। आप किसी भी प्रोफेशनल एडवोकेट के थ्रू जो है सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को लिखवा देंगे और जैसे ही आप मजिस्ट्रेट को कन्वेंस कर देंगे कि आपको जो है धमकी दी गई है, आपके साथ गाली गलौज की गई है, तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को ऑर्डर देंगे, आदेश करेंगे कि आपकी जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो फिर जो है पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेंगी जो कि आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होगा। और जैसे ही मुकदमा दर्ज होगा तो जो है फिर केस जो है कोर्ट में चलेगा और जैसे ही केस कोर्ट में चलेगा और जब आप कोर्ट में ये प्रूव कर देंगे कि आपको धमकी दी गई थी, आपके साथ फ़ोन पे बदतमीजी की गई थी, तो आप जो है उस बंदे को 2 साल तक की सज़ा करवा सकते हैं। यानी कि आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत उस बंदे को जो है 2 साल तक की सज़ा हो सकती है जिसने आपको धमकी दी है या फ़ोन पे गाली गलौज की है। तो इसी प्रकार की लीगल नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।